हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप. आज का जो टॉपिक है वो देख के आपको पता चल ही गया होगा. इट्स अबाउट माय स्ट्रगल इन जर्मनी, पर्सनल स्ट्रगल एंड व्हाई आई मूव टू जर्मनी. मैं बहुत ही हाई पेइंग जॉब करती थी और फैशन ब्रांड के साथ जॉब करती थी. मेरे आसपास मॉडल, एक्टर्स, फैशन वर्ल्ड, फैशन शोज, कपड़े, ऐसे मतलब मैं ऐसी जॉब करती थी जो किसी भी लड़की या लड़की के लिए एक ड्रीम जॉब हो सकती है, और मेरे लिए तो वो एक डेफिनेटली ड्रीम जॉब थी. वो छोड़ के मैंने क्यों डिसीज़न लिया कि मैं जर्मनी मूव हूँ, और उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया तो क्या एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था चीज़ें वैसी ही गई. मेरे हस्बैंड जो हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर, और हम लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिसाइड किया अबाउट आर फ्यूचर लाइफ, अबाउट आर कल्चर्स, अबाउट आर अर्निंग्स, फैमिली वैल्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमने डिसाइड किया नहीं यार, हम तो मूव होते हैं. द रीज़न इज़ कि हम लोगों को एक नई कंट्री एक्सप्लोर करनी थी जो अभी तक हमने नहीं करी थी. दीपक ने तो करी थी, दीपक जापान थोड़े टाइम रह लिया था, बट मेरे लिए बहुत नया था. घूमना फिरना अलग बात होती है, बट वहाँ पर रहना और एक्सप्लोर करना अलग बात थी. मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मुझे वहाँ पर जॉब जो है वो 1 मंथ या डेफिनेटली 2 मंथ में तो मिल ही जाएगा. वो बहुत सारे रीजंस कि हमें पता होता है कि यार हम कैसा काम करते हैं, या हमें हमारे ऊपर विश्वास होता है कि हाँ ठीक है मिल जाएगी. पर चीज़ें ना जैसा हम सोचते हैं एग्जैक्टली चीज़ें वैसी नहीं जाती. एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा. मैंने जो चीज़ें सोची थी मेरे साथ वैसा नहीं हुआ. इनिशियली मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, पर आपको ये भी पता होगा कि जब तक आपके पास रेसिडेंट परमिट नहीं है जर्मनी का, आप अलाउड नहीं हो जॉब करने के लिए. और रेसिडेंट परमिट आने में कभी कभी 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने लग जाते हैं. तो इन केस ये छोटे से शॉर्ट में आपको मैं ये बता देती हूँ कि 6 महीने मेरी जो सिचुएशंस थी वो ऐसी थी कि ना मेरे पास कोई डेडिकेटेड काम था, ना मुझे कुछ करना पसंद आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि मैं एकदम से काम कर रही थी और एकदम से यहाँ आके फ्री थी. और मैं हमेशा उस बारे में सोचती थी जो मुझे चाहिए, लाइक अ ड्रीम जॉब जैसी मैं इंडिया में करती थी, और मैं वैसी ही लाइफ सोच के आई थी कि मेरी लाइफ जो है वो सेम टू सेम यहाँ पर वैसी ही होने वाली है. कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन अफकोर्स हमने जैसा सोचा था वैसा हमारे साथ नहीं हुआ. मुझे बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े. मुझे स्ट्रगल करना पड़ा अबाउट लैंग्वेज. सबसे पहला स्ट्रगल था अबाउट लैंग्वेज, कॉपिंग अप विद एनवायरनमेंट, वेदर. ट्रस्ट मी गाइस, मुझे स्किन इश्यूज हुए स्टार्टिंग में, बहुत सीवियर बैड स्किन इश्यूज, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती. मेरे साथ बहुत हेडेक प्रॉब्लम हुई, जो मेरा हेड पूरे टाइम दुखता था जब मैं स्टार्टिंग में गर्मियों में यहाँ पर थी, और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था. मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं थोड़ा डिप्रेसिंग स्टेज पे जा चुकी थी उस टाइम पे, जब मुझे कुछ भी डेडिकेटेड काम नहीं था और मेरे मन में सिर्फ था जॉब जॉब जॉब. जॉब सुन के या तो मैं रो देती थी, या मैं बात नहीं करती थी, या मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी, या मैं बहुत कुछ कुछ सोचने लगती थी. And then the other things start about the CV, about cover letter for all the application, German style का CV, translate आपके सारे certificate का translation, उसके अलावा recognize आपकी degree recognized है या नहीं यहाँ के standard के हिसाब से. मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक different country में आने के बाद मुझे वैसी process फॉलो करनी पड़ी जो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे वैसा कुछ करना पड़ेगा. शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे, यार ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था जाने से पहले, ये तो होता ही है. अफकोर्स होता है, पर द थिंग इज़ कि हम मुझे ऐसा लगा था कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा इजी है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. सोच सोच के मैं अपने आप को तसल्ली दे रही थी, नहीं हो जाएगा यार, हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. बट Inside me was like कि नहीं यार, कुछ सही नहीं हो रहा है और सब खराब हो रहा है. मैंने एक चीज़ और के लिए स्ट्रगल किया. आप लोग शायद सोचोगे कि यार ये क्या बोल रही है, अपना
बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। आपको शायद ये पता होगा, यहाँ पर जो हस्बैंड्स होते हैं या स्पाउस होते हैं उनके कार्ड आप शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते अगर वो आपके साथ ना हो। लिटरली आपसे आईडी कार्ड मांग लिया जाता है कि आप आईडी कार्ड दिखाओ। कुछ चीज़ लाइक शॉपिंग करने में मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती थी, वो भी मुझसे छीन ली गई बिकॉज मैं अपने हस्बैंड का कार्ड लेके शॉप करने नहीं जाती थी अकेले। अगर जाती थी तो मुझसे कार्ड ले लिया जाता था या कार्ड पूछ लिया जाता था, उस केस में मैं कुछ नहीं खरीद सकती थी। अगर मैं बैंक से बोलूं कि यार मुझे आपका कार्ड चाहिए, तो उसकी फ़ीस होती थी 5 से 10 यूरो, जो मैं इनिशियली नहीं चाहती थी खर्च करना बिकॉज मैं ऑफकोर्स आप कुछ कमा नहीं रहे हो और आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा है और स्टिल आप कुछ फीस पे कर रहे हो सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए। उस केस में मुझे एग्जैक्टली रीवायर ने हेल्प किया, जब उन्होंने मुझे फ्री एक तो ईबान यहाँ का अकाउंट नंबर दिया, फ्री मास्टर कार्ड दिया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, ज़ीरो फीस थी। उस कार्ड से मैं कहीं भी ट्रांजेक्शन्स कर सकती थी, किसी भी एटीएम से कोई पैसे नहीं लगते थे, ज़ीरो रुपये का इन्वेस्टमेंट था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे पास मेरा कार्ड था जो मैं ऑनलाइन यूज़ कर सकती थी क्योंकि मैं ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। थोड़ी सी जो खुशी बोलते हैं वो उससे हुई। तो जो न्यू माइग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें अगर कोई कार्ड की ज़रूरत है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रिवायर से लो, इवन स्टूडेंट को। इवन अगर आपको ट्रांसफ़र भी करना है तो बेस्ट एफएक्स रेट्स आपको मिलेंगे उससे। एंड द थिंग इज़ कि आपके पास कोई कार्ड होगा जिससे एटलीस्ट आप बाहर जा सकोगे इनिशियल कुछ मंथ्स में और शॉप कर पाओगे और आराम से ईजी लाइफ यहाँ पर रह पाओगे। नथिंग मतलब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सुरभि तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी है, तुम एक अच्छी कंट्री में रह रही हो, तुम घूम रही हो, फिर रही हो, तुम एक नई कंट्री एक्सप्लोर कर रही हो, तो वाई टू क्राई, इज़ इट अ स्ट्रगल? ये क्या स्ट्रगल होता है कि आप ये बोल रहे हो कि हमने बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आई या फिर हमें सीवी जो है जर्मन फॉर्मेट में बनाना पड़ा या हमें एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ी या एक्सेट्रा 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 जो भी मैंने डिस्कस किया। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप कुछ काम कर रहे हो डेडिकेटेड कुछ टाइम तक के लिए और उसके बाद अगर आप फ्री बैठ रहे हो और इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। और वो यहाँ नहीं, सीधे यहाँ जाके तुम्हारे दिमाग पे असर करता है, एंड दैट्स वॉट एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। और मैं ये चीज़ इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहती थी, उसका रीज़न ये था कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ हैप्पी थिंग्स दिखाना चाहती थी आप लोगों को। मैं नहीं ऐसी चीज़ दिखाना चाहती थी जो मुझे स्ट्रगल लगता है, मेरी पर्सनल चीज़ों से, मतलब मेरा पर्सनली उससे कुछ लोचा है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको सुन के हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। बट देन मैंने सोचा बहुत सारे ऐसे स्पाउस हैं जो यहाँ पर आते हैं, आने वाले होंगे, और वो सोचते होंगे कि यार ये स्ट्रगल कितने टाइम का है। आज मुझे 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में आज मेरे पास कुछ डेडिकेटेड काम है, लैंग्वेज मैंने सीख ली है, अच्छे खासे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ की प्रोसेस समझ ली है कि प्रोसेस क्या है। अब नई कंट्री में आए हैं तो उसकी प्रोसेस समझना तो इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से चलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो करने में शायद 1.5 साल, 2 साल या हो सकता है 3 साल लगे, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, 3 साल बाद या 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या हो सकता है किसी किसी केसेस में 1 महीने बाद आपकी लाइफ यहाँ पर अच्छी होगी, डेफिनेटली होगी। अब हम मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और शायद आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जर्मनी एक अच्छी जगह है, इवन कोई भी कंट्री जहां आप डिसाइड करोगे अच्छी जगह है, पर उसके खुद के बहुत सारे स्ट्रगल हैं। मेरे भी कुछ बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल थे, पर्सनल स्ट्रगल थे। हो सकता है ये मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी जो मुझे ऐसा लगता था, नो 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 आई वॉन्ट इट, मैं ऐसा सोच के आई हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, शायद मेरी ज़िद्द थी। एंड कुछ लोगों की लाइफ जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, कुछ लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, कुछ लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता जैसे मेरे साथ हुआ। मैं बहुत बार बहुत परेशान हो जाती हूँ, बट मैं एट द एंड ये सोचती हूँ कि अभी भी जो हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है, एंड एट द एंड जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। और वही विश करती हूँ कि आप लोग भी इस एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया है उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन लगे कि हाँ यार, इट्स नॉट
इजी बट दैट्स डजंट मीन कि इट्स इम्पॉसिबल या यहाँ अच्छी लाइफ हो ही नहीं सकती. दैट मीन्स कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी दूसरी कंट्री की, उसके हिसाब से कॉपअप करने के लिए. और जब आप उसके हिसाब से वैसे बन जाओगे तो ऑफकोर्स आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो बहुत सारी होंगी, बहुत अच्छी अच्छी होंगी, बहुत बेस्ट होंगी. देखो जो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइक काइंड ऑफ इमोशनल और समथिंग, वो मुझे शेयर करना जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है. इसलिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये बताऊँ या ना बताऊँ. ऑफकोर्स 1.5 साल हो गया है और मैं अब शेयर करना चाहती थी आपसे, लेकिन लिटरली मैं बाहर खड़े होकर सोच रही थी कि मुझे ये शेयर करना है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों से नहीं बोलनी चाहिए. हो सकता है कुछ लोग इसे नेगेटिव लें, कुछ लोग अच्छे सेंस में लें, कुछ लोग बुरे सेंस में लें, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. बट द थिंग इज़ अगर ये 10 लोगों की भी ज़िंदगी को मोटिवेट करे या उन्हें ये बोले कि लक्ष्य उनके लिए एक सामने हो, नहीं यार मेरी ज़िंदगी इस पर्टिकुलर टाइम के बाद अच्छी बन सकती है, तो मुझे अगर 10 लोगों की भी लाइफ चेंज हो सके तो मेरे लिए वो ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ही पर्सनल नोट पे, बहुत ही इमोशनल नोट पे मैं बना रही हूँ आज. बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ, ट्रस्ट मी गाइज. एक जो वो वर्ड है ना, अर्निंग, जॉब एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वर्ड सुन के आज भी मुझे अच्छा नहीं लगता. बट बिकॉज नाउ आई हैव डेडिकेटेड वर्क, आई हैव डेडिकेटेड काम, आई अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. And I have good friends to live here. They are also struggling like me. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही struggle करते हैं, वो लोग भी अलग अलग countries में आए हैं पर उन्हें भी same process follow करनी पड़ रही है. But I have a friends, a decent amount to earn. And the best is I have good life to live here with my husband. And the best thing is I can travel most of the places. आप लोगों को मैं बता सकती हूँ. एंड इसी के साथ मैं जाती हूँ गाइज. और आपको क्या वीडियो अच्छा लगा वो मुझे बताना, आपको मेरे एक्सपीरियंस अच्छे लगे क्या वो बताना, आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो ज़रूर बताना. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. एक और बात जो मैं आपको एक लास्ट बोलने वाली हूँ, एक चीज़ तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, टू ओपन द फ्री अकाउंट, और वो आप रिवायर के साथ कर सकते हो. मैं आपको 2 जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो फ्री दे रही हूँ ताकि आप जो है वो आराम से ट्रांजेक्शन कर सको विदाउट एनी फीस, तो वो आप यूज़ करो. और अगर आप नए एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, एज ए माइग्रेंट आ रहे हो, स्पाउस आ रहे हो, तो भी मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप ये ज़रूर यूज़ करके देखो. बाकी चीज़ें तो इट विल टेक टाइम बट दिस विल डेफिनेटली सॉल्व योर फर्स्ट प्रॉब्लम. So thank you guys and take care. Bye bye. Till next time. जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना. सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है. इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉग इन नहीं किया है तो लॉग इन कर लेना. वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया. और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा. तो जो बेल की घंटी है वो ज़रूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस. जाने से पहले सब्सक्राइब
बटन जरूर दबा देना सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए, या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉग इन नहीं किया है तो लॉग इन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।